हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने आ रहे हैं इंडियन पोस्ट GDS के बारे में। तो बिहार और महाराष्ट्र के लिए ऑनलाइन फॉर्म निकल आए हैं, ठीक है। टोटल वैकेंसी 4368 निकली हैं, तो उसी के बारे में हम पूरी डिटेल में जानेंगे। तो पहले जनरल सी देख लेते हैं क्या क्या दिया है, ठीक है। उसके बारे में बात करेंगे कौन एलिजिबल है कौन नहीं है, ठीक है। वैसे बिहार के लिए आपको हिंदी लैंग्वेज आनी चाहिए और महाराष्ट्र के लिए आपको मराठी आनी चाहिए, तभी डाल सकोगे फॉर्म। तो देखो, ये 27 तारीख से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। और जो जनरल OBC की फ़ीस है वो 100 रुपये है, SC ST की कुछ भी नहीं है, ये तो आपको ही पता होगा, ठीक है। एज भी पता होगी, 40 ईयर्स तक डाल सकते हो, ठीक है। और जो टोटल पोस्ट हैं वो हैं 4368। और अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो क्लास 10th होनी चाहिए आपकी विद मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट, ठीक है। अभी नोटिफिकेशन में फुल डिटेल हम बात करेंगे। अगर जनरल की बात करें तो जनरल की बिहार में सीटें निकली हैं 903 और EWS की निकली हैं 146 और OBC की निकली हैं 510, SC की 294, ST की 45 और ये देख लीजिए आप टोटल 1940 वैकेंसी निकली हैं। इसी तरह महाराष्ट्र में टोटल 2428 वैकेंसी निकली हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम नोटिफिकेशन पे। तो नोटिफिकेशन पे देखते हैं, तो देखो पहले बिहार का नोटिफिकेशन देखते हैं। तो ये दिया है नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक साइकिल 3rd 2020-21 बिहार सर्किल, ठीक है। ये दो नोटिफिकेशन है, इसी को देखते हैं। तो देखो, जॉब प्रोफाइल क्या है, ब्रांच पोस्ट मास्टर BPM, इसमें क्या होगा ये पूरा डिटेल में दिया, आप पढ़ सकती हो क्या काम होगा, ठीक है। और ये है ABPM असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, ठीक है। और एक निकली है डाक सेवक, ये तीन वैकेंसी हैं, तीन तरह की देख लेना, तीन टाइप की। अब इसमें क्या है, टाइम रिलेटेड कॉन्टिन्यूटी अलाउंस, ठीक है। इसमें क्या है, आपको आपकी जो सैलरी रहेगी वो कितनी रहेगी, 14,500 और 12,000। जो BPM की है वो 14,500 और ABPM की है डाक सेवक की वो 12,000 है फॉर 5 घंटे के लिए, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी आपको पता ही पड़ेगी। और जो एज रिलैक्सेशन है वो भी जैसे दिया जाता है उसी टाइप से दिया जाएगा, ठीक है। SC ST को 5 ईयर्स का, OBC को 3 ईयर्स का, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको पता ही है, 10th पास होनी चाहिए। कंपलसरी नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, तो आपको लोकल लैंग्वेज ज़रूर आनी चाहिए। तो बिहार के लिए हिंदी और महाराष्ट्र के लिए मराठी, ठीक है। नेम ऑफ सर्किल एंड ऑफिशियल लैंग्वेज द स्टेट अंडर ईच सर्कल, ठीक है। तो ये उसके हिसाब से दिए, स्टेट के हिसाब से लोकल लैंग्वेज। तो देखो, आंध्र प्रदेश के लिए तेलुगु आनी चाहिए आपको, असम के लिए ये आनी चाहिए बंगाली। तो ये इस तरह से हैं। तो देखो, ये बिहार दिया है, बिहार के लिए कौन सी, हिंदी, ठीक है। छत्तीसगढ़ के लिए हिंदी, दिल्ली के लिए हिंदी, तो ये बिहार के लिए, ठीक है, दिया है। और अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र जीरा, महाराष्ट्र के लिए तुम आपको मराठी आनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाओगे। तो देख लो, तो आगे और देखें क्या है, और कुछ नहीं है, बस यही डिटेल थी। और कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।